फ्रेंड्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का अर्थ एवं विशेषताएं। लास्ट वीडियो में हमने पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता में शिक्षक की भूमिका पढ़ी थी, उसमें ये हमारा एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि शिक्षक हमारे एक आलोचनात्मक रूप के रूप में हमारे सामने आते हैं। अर्थात अगर शिक्षक हमारे आलोचनात्मक रूप में ना आए तो हमें जो हमारी कमी है उसके बारे में हमें पता नहीं चलता। उसमें ये कहा जाता है कि जो छात्र होते हैं उन छात्र की जो उनकी सोचने की क्षमता होती है, उसकी चिंतनशील की जो उनकी उनके चिंतनशील जो स्वभाव होता है, उस योग्यता में भी उनका विकास होता है। इसीलिए कहते हैं कि आलोचना भी हमें उतनी ही जरूरी है जितनी की हमें हमारी प्रशंसा। हम देखते हैं कि जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हम हमारे कार्य में कोई परिवर्तन नहीं करते। हम ये समझते हैं कि हमारा कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही हमारी जो आलोचना करते हैं या हम ये कहें कि हमारी बुराई करते हैं, तो हम उस कार्य में चाहे हमें कितनी भी बुरा लगे वो, लेकिन हम हमारे उस कार्य में परिवर्तन करते रहते हैं। तो ये परिवर्तन कब संभव है? परिवर्तन जब संभव है जब हमारी कोई आलोचना करे। तो उसी के लिए कहा गया है कि शिक्षा शास्त्र में जो आलोचना का एक स्वरूप है वो एक दर्शन के रूप में है। हम कहते हैं ना कि शिक्षा दर्शन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसे हमने शिक्षा के एक दर्शन के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि ये हमारे जो भी हमारे कहते हैं हम जो इंसान मनुष्य स्वयं अपने विचार के बारे में सोचते हैं, वो विचार हमारे दर्शन में जाते हैं। तो ये हमारी एक आंतरिक प्रक्रिया भी होती है कि अगर हमें किसी ने हमारी आलोचना की है तो हमें उसमें हम हमारे सुधार करते हैं, लेकिन अगर हमारी आलोचना होगी ही नहीं तो हम हमारे कार्य में परिवर्तन कहाँ से करेंगे। तो यही चीज शिक्षा शास्त्रियों ने भी बताई है। इसे एक शिक्षा दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि आलोचना का जो स्वरूप होता है वो एक महत्वपूर्ण होता है। अगर हम हमारी शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन तभी संभव है जब हमारी कोई आलोचना करे। तो आज जो हम वीडियो में बताने जा रहे हैं उसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका तात्पर्य भी बता रही हूँ, अर्थात अर्थ भी बताने जा रही हूँ कि आखिरकार आलोचनात्मक का अर्थ क्या है, उससे तात्पर्य क्या है, अर्थात अर्थ निकलता क्या है। और हम देखें तो उसके अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसके तात्पर्य में हम देखेंगे कि शिक्षा यानी कि आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का शिक्षा दर्शन तथा सामाजिक आंदोलन को शिक्षा के साथ संबंधित करता है। यानी कि हमारा जो दर्शन है वो किसके साथ जुड़ जाता है? हमारे सामाजिक आंदोलन के साथ। हमने देखा है हमारे समाज जो कि हमारे विद्यालय हमारी शिक्षा से जुड़े होते हैं। जब तक हमारे अगर समाज में परिवर्तन होता है तो वो समाज परिवर्तन का इफेक्ट हमारी शिक्षा पर भी पड़ता है। तो इसमें कहा गया कि जो हमारे दर्शन हम कहते हैं हमारे सोचने विचारने की जो शक्ति होती है वो भी हमारी निरंतर हमारा जैसा वातावरण, अर्थात हम कहें कि जिस समाज में हम रहते हैं जिस समाज से हम जुड़े हुए रहते हैं उसी तरीके से हमारे दर्शन हमारे सोच विचारों में परिवर्तन होता रहता है। तो ये उसी के लिए कहा गया है कि ये जो होती है हमारी आलोचना वो एक हमारा सामाजिक आंदोलन होता है। सामाजिक आंदोलन क्यों होता है? क्योंकि जो समाज में जो परिवर्तन होते हैं जिन चीजों में हम परिवर्तन चाहते हैं, कहते हैं जब भी हमने कोई परिवर्तनशील कार्य किए हैं तो वो एक क्रांति और एक आंदोलन के रूप में हमारे सामने आए हैं। तो इसमें वही चीज बताई है कि सामाजिक आंदोलन के रूप में है ये हमारा आलोचनात्मक जो स्वरूप है हमारा वो हमारा एक सामाजिक आंदोलन के रूप में है। अब हमने देखा है कि जो इसके सर्वप्रथम इसकी जो इसको निर्माण करता है इसका जो सबसे पहले इसको वर्णित किया था आलोचनात्मक स्वरूप को जो सबसे पहले वर्णित किया था वो है हमारे पॉल फेरे नामक जो शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने सर्वप्रथम इसको वर्णित किया था, यानी कि हमें जहां इसका नाम एक आलोचनात्मक दिया था उन्होंने इस नाम से इन्हें सुशोभित किया था वो है पॉल फेरे ने ये बात बोली थी कि हमारी जो शिक्षा शास्त्र में या हमारा एक कहते हैं ना कि ये हमारा एक दर्शन है कि हमारे जो सामाजिक आंदोलन को शिक्षा के साथ इन्होंने
शिक्षा लेते हैं जो हमारी आवश्यकता है, और हमारी आवश्यकता हमेशा कहीं ना कहीं हमारे समाज से जुड़ी हुई होती है। तो वो हमारा एक सामाजिक आंदोलन है। जैसे समाज परिवर्तन चाहता है, समाज में जो क्रांतिकारी चलते रहते हैं, उसी क्रांति से हमारी जो शिक्षा है उसमें परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन के द्वारा हम क्या करते हैं, एक हमारा जो परिवर्तन है वो हमारा आंदोलन का रूप लेते हैं। जब भी हमने देखा है कि जब भी हम किसी चीज में परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन क्या रूप लेता है, हमारा आंदोलन का। तो इसको जो सर्वप्रथम वर्णित करने वाले थे वो है हमारे पॉल फेरे। और जैसे इसका कहते हैं इसको आगे बढ़ाया, इसका विकास किया, वो विकास करने वाले हैं हमारे हेनरी ग्रॉब्स। हेनरी ग्रॉब्स इन्होंने इसी आंदोलन स्वरूप को आगे बढ़ाया। यानी कि किस किस तरीके से, एक तरीके से हम कहते हैं कि जहां इसको वर्णित कर दिया, उन्होंने नाम तो उन्होंने पॉल फेरे ने दे दिया इसको कि हाँ भाई एक आलोचनात्मक ग्रुप हमारा होना चाहिए। लेकिन जैसे इसने विकास करने की बात आई तो इसके विकास करने की जो हमारी श्रेय जाता है वो जाता है हमारा हेनरी ग्रॉब्स को। इन्होंने हमारे इसके अंदर काफी आगे जो विकास किए इसके अंदर कि किस किस तरीके से हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम जो आगे देखने जा रहे हैं वो है हमारी विशेषताएं कि आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, जो कि हम इसे इसके अंदर जो विशेषताएं होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि आलोचनात्मक स्वरूप हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में हम कहते हैं कि इसके लिए जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अगर अच्छा बनाना है, प्रभावित बनाना है, तो हमारे आलोचनात्मक स्वरूप का उसके अंदर कहीं ना कहीं समावेश होना चाहिए। छात्र जब तक उसके अंदर, शिक्षक के अंदर या शिक्षक छात्र में जब तक कोई कमी ना निकालेंगे तो उनकी जो अंतःक्रियाएं होती हैं, उनकी जो खुद की कहते ना समझने वाली चीजें होती है, उनमें कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं होता या हम कहें वो प्रभावी नहीं होती। कई बार हमने देखा है कि शिक्षक में भी कहीं ना कहीं कमी होती है। बहुत अच्छे शिक्षक होने के बाद भी अगर हमें हमारे अंदर अगर हमें परिवर्तन करना है, हमारे अंदर हमें आगे बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें हमारे आलोचनात्मक स्वरूप को भी एक्सेप्ट करना होगा। तो अगर, और दूसरी चीज, अगर शिक्षक अपना आलोचनात्मक स्वरूप एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहां पर जो छात्र हैं उनकी अधिगम क्षमता में भी आगे परिवर्तन होता है। उनके सोचने समझने, जिसे कहते हैं ना चिंतनशील प्रवृत्ति का जो विकास होता है छात्र में, वो छात्र में इस आलोचनात्मक स्वरूप के कारण ही होता है। क्योंकि जो छात्र है वो तभी सोचते हैं जब हम ये कहें कि अगर उन्हें शिक्षक के अंदर अगर उन्होंने कुछ ना कुछ कमी निकाली है, तो वो कमी उन्होंने तभी निकाली है जब उन्होंने ध्यान से सुना है। हमने कई बार देखे हैं कि जो हमारे कक्षा कक्ष में छात्र होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। हमने कई बार ये देखा कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ छात्रों को ध्यान भी नहीं रहता कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि शिक्षक ने कहा ब्लैक बोर्ड पे कुछ गलत लिखा, या उन्होंने कुछ गलत बोला, या उन्होंने कुछ गलत समझाया, तो ये सब चीजों का वो बहुत ध्यान रखते हैं। तो हो गए दो तरीके के। लेकिन जिन्होंने ध्यान दिया है वो शिक्षक की कमी का, जब हमें अगर हम सोचें कि शिक्षक में क्या कमी है, तो शिक्षक की कमी को कौन बता सकता है, सिर्फ वही स्टूडेंट जिन्होंने उस पर ध्यान दिया, यानी कि उन्होंने चिंतन किया है। और एक वो स्टूडेंट जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो अगर हम खड़ा करेंगे तो हमेशा शिक्षक की तारीफ करेंगे, चाहे उन्हें कुछ पता हो या ना हो। तो इसमें कहा गया है कि जो अधिगम क्षमता का जो विकास होता है स्टूडेंट्स में, वो अधिगम क्षमता का अगर विकास हम करते हैं तो वो विकास किसके कारण होता है, आलोचनात्मक स्वरूप के कारण। क्योंकि आलोचना ऐसी है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कहते हैं कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो हमारे लिए हमें बुरे लगते हैं, लेकिन हमारे लिए वो होते बहुत अच्छे हैं। अगर हम देखें कि हमें जब डॉक्टर के पास जाना होता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर को हम क्या अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। डॉक्टर हमसे ये पूछेगा कि आपने शाम को क्या खाया, हम ये नहीं कह सकते डॉक्टर को कि हमने सारी चीजें अच्छी है, लेकिन जो हमने बुरा खाया है वो भी हमें बताना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम हमारी कमी को या हमारी बुरी चीजों को हम डॉक्टर को नहीं बताएंगे, डॉक्टर हमारी
हमारे का इलाज नहीं कर सकता। तो वही चीजें हमारी आवश्यकता, हमारे समाज की आवश्यकता एक आलोचनात्मक स्वरूप पर इतनी आधारित होती है कि हमारे अंदर जो कमी है तब कब पता चलेगा हमें, जब कोई हमारी आलोचना करेगा। यानी कि क्या हम पढ़ा रहे हैं जो हमारे समाज के लिए उपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए क्या उपयोगी है, ये चीजें हमें कहाँ से पता चलेगी, हमारे आलोचनात्मक स्वरूप के लिए। तो कहते कि जहाँ हमें अगर हमारा प्रोत्साहन आगे बढ़ाना है, जहाँ हमें तारीफ की उतनी आवश्यकता है उतनी हमें हमारी आलोचना की भी आवश्यकता होती है। अगर हमारे कार्य में हमें और अच्छा बेहतर प्रदर्शन करना है तो वो प्रदर्शन हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास हमारे दोनों पहलू आते हैं। और मेरा मानना है कि हमारे जहां हम तारीफ से ज्यादा अगर हमारी बुराई हमारे सामने आती है तो हम हमारे कार्यों में कहीं ना कहीं जो कमी है उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये आज की हम विशेषताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें जो हम विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं ये विशेषताएं भी पॉल फेरे ने दी थी कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होती हैं आलोचनात्मक स्वरूप में, कौन से ऐसे इनके अंदर गुण होते हैं जिसे हम अपनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली है इसमें शिक्षण एवं अधिगम में संबंध, जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ जब छात्र को शिक्षक अधिगम करवाते हैं तो ये शिक्षण एक क्या शिक्षण प्रक्रिया भी करवा रहे हैं और अधिगम तो दोनों प्रक्रिया हुई ना, क्योंकि शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो शिक्षण हुआ और अधिगम कौन कर रहे हैं छात्र, तो ये दोनों में संबंध स्थापित करता है। क्योंकि जो आलोचनात्मक स्वरूप बच्चा बता रहा है वो किसके लिए बता रहा है, शिक्षण प्रक्रिया के लिए, और अधिगम क्या है कि वो सीख रहा है उस चीज के लिए। तो इन दोनों में शिक्षण और अधिगम में दोनों में जो संबंध स्थापित करता है वो है हमारा आलोचनात्मक स्वरूप। यानी कि इसके आधार पर हमारी शिक्षण प्रक्रिया में और अधिगम प्रक्रिया में दोनों में संबंध स्थापित होता है। अर्थात पढ़ाना और सीखना दोनों में जब तक संबंध नहीं होगा हमारे सामने ये स्वरूप नहीं आएगा। सेकंड है हमारा सोचने की योग्यता का विकास, जैसे हम कह सकते हैं क्या चिंतनशील बुद्धि का विकास, चिंतनशीलता का विकास। यानी कि सोचने समझने के कहा जब वो मनन करेंगे चिंतन करेंगे तो आलोचना अगर हमें किसी की करनी है, कहते तारीफ करना आसान होता है लेकिन अगर हमें कमी निकालनी है तो कमी निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता होती है, हमारे दिमाग पे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जहाँ हमारी सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है वो भी हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है हमारा आलोचनात्मक है। इसी के द्वारा हम हमारी चिंताशीलता का विकास करते हैं और हम बहुत अधिक अच्छे ढंग से सोचने की कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता मान्यता एवं अधिकार के प्रति सजगता। इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्या है ये हमारी स्वतंत्रता मान्यता अधिकार के प्रति सजगता, ये क्या है हमारे सामाजिक कर्तव्य भी, हमारे नैतिक कर्तव्य भी हमारे, ये कहते हैं ये हमारे एक शैक्षिक आंदोलन जो हम करते हैं उसके अंदर हमारे आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य हमेशा हम जो आंदोलन करते हैं वो किसके लिए, या तो हमारी स्वतंत्रता के लिए, या हमारे जो नियम बने हुए हैं समाज के उनके लिए, या हम अपने अधिकार के लिए। तो ये क्या है हमारे तीनों पॉइंट हमारे सामाजिक आंदोलन के स्वरूप, सामाजिक आंदोलन के स्वरूप। तो इसमें मैंने ऊपर भी आपको डेफिनेशन में बताई थी कि शिक्षा दर्शन ने इसको क्या माना है एक तरीके से कि ये सामाजिक आंदोलन जो सीधा किससे जुड़ता है, शिक्षा से। ये चीज हमें जानते भी है कि जब जब हमारे समाज में परिवर्तन आया है, समाज में हमने हमारे आंदोलन हुए हैं, वो आंदोलन कभी भी बिना शिक्षा के पूर्ण नहीं हुए हैं। इसीलिए शिक्षा का इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और शिक्षा का है तो शिक्षा देने वाले कौन है, हमारे शिक्षक। इसीलिए कहते हैं कि हमारे जो इन सब अधिकारों के लिए हम सजग होते हैं, हम जो आंदोलन करते हैं, कहते हैं आंदोलन हम उसी के प्रति करेंगे जिसके प्रति हम सजग रहेंगे, सोचेंगे विचारेंगे जागरूक रहेंगे। तो अगर हमारे अंदर जागरूकता है, अगर शिक्षक के अंदर जागरूकता की कमी होगी तो क्या होगा, वो आलोचना का शिकार होंगे। और अगर वो जहां उनमें सजगता होगी तो
प्रति सजगता कि इसी आलोचना के द्वारा हम इन सब चीजों के प्रति जागरूक होते हैं। हम जो हमारी क्या सामाजिक आंदोलन करते हैं वो भी हम इसी के द्वारा करते हैं। फिर है हमारा वर्तमान शिक्षा का महत्वपूर्ण अवयव। हमने देखा है हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी, प्राचीन शिक्षा में हमारे कहीं भी आलोचनात्मक स्वरूप का वर्णन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारी पहले की जो शिक्षा थी वो शिक्षा ही हमारी कैसी थी? कैसी शिक्षा थी हमारी? वो शिक्षा थी हमारी जो हमारे शिक्षक प्रधान, अर्थात उसमें तो शिक्षक ही प्रधान था, उसमें शिक्षक की कोई आलोचना कर ही नहीं सकते थे। जहाँ कहते थे कि सारे नियम कायदे कानून कौन बनाते थे? शिक्षक, यानी कि उसमें शिक्षक सर्वोपरि थे। तो हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी उसमें तो ये कहीं समाहित ही नहीं थे, ये मुख्य बिंदु जो हमारा। लेकिन जो हमारी आज की शिक्षा है इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में है, एक अवयव्य के रूप में है। क्योंकि हम भोजन करते हैं तो भोजन को करने से पहले हम उसके तत्वों के बारे में जरूर जानते हैं कि हमारे लिए कौन से तत्व तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है और कौन से हमारे लिए हानिकारक है। हम भोजन कर रहे हैं हानिकारक भी, लेकिन हमें उस चीज के लिए पता है कि हमारी ये चीज हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन हमें उसमें किस तरीके से परिवर्तन करना है, हम क्या करते हैं? अगर हमने कुछ गलत खाया है तो हम उसके लिए योगा करेंगे, या हम कहेंगे कि उसके लिए हम कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन लेंगे जिससे कि हमने जो खाया है वो हमें हानि ना पहुंचाए। तो यहाँ भी वही चीज है कि इसे जो हमने प्राचीन शिक्षा में इसे समाहित नहीं किया और नई शिक्षा में जहाँ हमने इसको समाहित किया है, तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवयव्य है, हमारी शिक्षा के लिए ये पौष्टिक तत्व है। क्योंकि जब हमारी कमी आएगी तो हम उस कमी को दूर करने की बीमारी भी ढूंढेंगे, कि हम मेडिसिन भी ढूंढेंगे कि हमें किस तरीके से उस बीमारी को दूर करना है। क्योंकि हमारे लाभ के साथ साथ हमारे हमें हानि का भी पता होना चाहिए। फिर हमारे ज्ञान निर्माण को चुनौती के रूप में कहते हैं, जब ये आलोचनात्मक जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं उस ज्ञान में हमने देखा, जब हम मूल्यांकन करने बैठते हैं हमारे पास निष्कर्ष निकलता है। क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हमें अंत में प्राप्त होती है, तो ये हमारे लिए ज्ञान को निर्माण करने के लिए भी चुनौती बन जाती है कि हमें किस तरीके से हमें ज्ञान का निर्माण करना है, जिसमें हम करते हैं कि किस स्टेप से, किस क्रम से और कौन से हमारी इसके अंदर कमी ना रह जाए, हम चीजों का ध्यान रखते हैं। फिर है हमारा आलोचनात्मक रूप में विश्लेषण। हमने देखा है कि हम क्या करते हैं, आलोचनात्मक जो शिक्षा शास्त्र थे उन्होंने आलोचनात्मक स्वरूप को क्या माना है, एक तरीके से हम इसका विश्लेषण करते हैं। अब विश्लेषण करने में हमने देखा है हम सबसे जो इनके महत्वपूर्ण जो बिंदुओं होती हैं उन सबको हम विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं, और विभिन्न भागों में विभाजित करके अगर हमें कब किस बिंदु पर हमें आलोचना में मिलती है, विश्लेषण करने का हमारा एक ही फायदा होता है कि जब हम विश्लेषण कर रहे हैं हम देखते हैं कि हम अपनी विषय वस्तु का, अब किसी भी पाठ योजना को अगर शिक्षक तैयार करता है तो वो उसके एक विभिन्न भागों में उसका विश्लेषण करता है। क्योंकि विश्लेषण करने से जो छात्र अधिगम कर रहे हैं, छात्र सीख रहे हैं, छात्र जो ग्रहण कर रहे हैं, या हम कहें कि छात्र हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो छात्र को कहां किस बिंदु पर कमी नजर आई है ये बताना शिक्षक को आसानी हो जाएगी कि शिक्षक ने कहां किस बिंदु पर कमी की है। तो इसमें कहिए कि हमारा जो आलोचनात्मक स्वरूप है वो हमारा एक विश्लेषण है, क्योंकि विश्लेषण के माध्यम से ही हम हमारी कमी बताएंगे। जब हम विश्लेषण करने बैठते हैं तो हम उस आलोचना जो लास्ट पढ़ाने में हमारी विद्यार्थियों ने जो आलोचना निकाली है उसको हम अपने एक विश्लेषण के भाग में उसको समाहित कर लेते हैं, और फिर हम उसका आगे क्या करते हैं, निराकरण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन, यानी कि जो हमारा आलोचना होती है, अभी निर्माण का बताया था मैंने, उसी तरह से हम जब मूल्यांकन करते हैं उसके निष्कर्ष को देखते हैं, तो उसके निष्कर्ष के कहते हैं कि विभिन्न जो पहलू होते हैं हम उन सभी चीजों पर गौर करते हैं। क्योंकि अगर आलोचना का कहीं कमी निकालनी है तो क्या है कमी हमारी, चिंतनशील। तो अगर आपको चिंतनशील बनना है तो आप सबसे ज्यादा अपने जो भी विभिन्न बिंदु हैं उन पर आप ध्यान देंगे। तो कहते हैं कि इसका हम मूल्यांकन करते हैं,
तो प्रत्येक पक्ष का करते हैं, चाहे वो हमारा ज्ञानात्मक हो, क्रियात्मक हो और हमारा भावात्मक, यानी कि तीनों चीजों का देख के हम उसका मूल्यांकन करते हैं। फिर है हमारा सामाजिक रूपांतरण में सहायक, जो हमारे समाज को परिवर्तन चाहते हैं तो वो परिवर्तन में भी हमारी आलोचना सहायक होती है, क्योंकि किसको, जब हम आलोचनाओं के शिकार होते हैं उस आलोचना में हमें समाज की आवश्यकताएं नजर आती हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं या जिस विधि से हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी है या न उपयोगी, और हमारा समाज अब इसमें और क्या परिवर्तन चाहते हैं वो हमारे सामने उन आलोचनाओं के रूप में आते हैं। तो हम जो हमारे समाज का रूपांतरण करने की कोशिश करते हैं उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो आज की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया है कि आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के अर्थ क्या होता है, उससे क्या तात्पर्य है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, साथ में इसको सर्वप्रथम किसने वर्णित किया, फिर इसका विकास किसने किया और इसकी विशेषताओं के बारे में ये मैंने आज आपको बताया है इस वीडियो में। धन्यवाद।